नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker और MetaTrader दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट इंट्राडे स्टॉक। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन ही इंट्राडे में प्रॉफिट अर्निंग करने का या सक्सेस पाने का पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही होगा देन आप इजीली इस मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ पहले भी बोला हूँ और आज को भी बोलूँगा, जो इस मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट फेवरेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका फेवरेट स्क्रिप्ट डेली सेम परफॉर्मेंस देके जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस मार्केट में आपको स्क्रिप्ट को रोटेट करना चाहिए, आपको वॉच करना है जो कौन सा स्क्रिप्ट आज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है, कौन सा स्क्रिप्ट आज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है, तो उसका ऊपर बेस करके मेरा ये वीडियो है। देखिए आज को मैं इस टाइप का कुछ टेक्निक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेके हर एक क्लाइंट का मन में बहुत सारा क्वेरीज रहता है। मैं बहुत जनों को देखता हूँ जो मैक्सिमम बेटा स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। बेटा स्क्रिप्ट मतलब जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है इंट्राडे में प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, उसको लगता है वो सबसे इजी होता है। कोई टॉप गेनर टॉप लूजर को भी फॉलो करता है, जो आज के लिए कौन सा टॉप गेनर है टॉप लूजर है। तो बहुत सारा टेक्निक है, कोई भी टेक्निक खराब नहीं है और ऐसा भी कोई टेक्निक नहीं है जो आपको डेली सेम परफॉर्मेंस देके जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर उसमें से भी कुछ ऐसा टेक्निक होता है जो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाए, तो उसका ऊपर बेस करके मेरा आज का टॉपिक है। देखिए हम लोग डेली मॉर्निंग को उसी का ऊपर बेस करके कुछ सजेशन बनाते हैं। आपका सामने एक लिस्ट दिखाई दे रहा है जिसमें देखिए हम लोग ए इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन बनाते हैं। सबसे ऊपर में इसका हेडिंग के बारे में बता देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा है टूडेज वन साइड ट्रेंडी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट थोड़ा ढक गया, तो यहाँ पर लिखा है टूडे वन साइड ट्रेंडी स्क्रिप्ट लिस्ट। तो हम लोग जिस टाइप का कॉल को सजेशन में लाते हैं या फिल्टर करते हैं वो कोई बेटा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होता है। हम लोग उसी टाइप का मार्केट को फिल्टर करने का कोशिश करते हैं जो कोई एक डायरेक्शन में लंबा प्रॉफिट देने वाला है। तो उस टाइप का कॉल में क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, आप कहीं पर भी एंट्री लेने से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्निंग हो जाता है। देखिएगा हम लोग जब मार्केट खत्म होता है आफ्टर 3:30 हम लोग मार्केट को देखते हैं, तो ऐसा बहुत सारा स्क्रिप्ट हम लोग को दिखाई देता है जो सारा दिन एक तरफा मूवमेंट हुआ, मगर वो तो हम लोग को 3:30 बजे का बाद में पता चलता है। सोचिए ऐसा कोई स्क्रिप्ट अगर मॉर्निंग में आपको पता चल जाए जो आज को एक दिन ये स्क्रिप्ट सारा दिन उठने ही वाला है या गिरने वाला है, तो आपका काम कितना ईजी हो जाएगा। तो उसके ऊपर बेस करके हम लोग का फिल्टरेशन है। तो मैं देखिए ये 20 तारीख का एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेली मॉर्निंग को, जिसमें फर्स्ट रो में इसका पूरा स्क्रिप्ट का नाम दिया हुआ है वन बाय वन, उसके बाद डेट दिया है, उसके बाद ट्रेड प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या है, किसका चांसेस ज़्यादा है। जैसा देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसका मैं अशोक लेनल का बात बोलता हूँ, पहले सबसे पहले लिखा है जो फर्स्ट प्रायोरिटी सेल, उसका मतलब इसका पहला चांसेस अधिकतर गिरने का है। अगर नहीं गिरा तो उड़ भी सकता है, ऐसा नहीं जो उठेगा नहीं, नॉट लाइक दैट, मगर जो भी होगा कोई एक डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं जो चौपे होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेल था, सेकंड प्रायोरिटी बाय था। अब देखिए लिखा है इफ बाय देन अबव, इफ सेल देन बिलो, मतलब अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेल है तो सेल कब करना है, 81.25 को जब ब्रेक करेगा उसका बाद ही, उसका पहले नहीं। और ये डिसीजन लेना है आपको 9:45 का बाद। तो 9:45 है क्यों, बेसिकली इस मार्केट में 9:45 बोल के कोई टाइमिंग नहीं होता, मगर मैक्सिमम टेक्निकल एनालिस्ट जो देखता है जो मार्केट को हाफ एन आवर देना चाहिए, आफ्टर हाफ एन आवर वो कोई भी एक डायरेक्शन को पकड़ लेता है, तो उसके बाद अगर उसमें आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड सिक्योर रहता है और वो थोड़ा स्टेबल भी रहता है। तो दैट्स वाई 9:45। तो ये रिपोर्ट कार्ड हम लोग डेली मॉर्निंग को प्रोवाइड करेंगे, हम लोग का एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मिलते रहता है। आप इसको देखते हुए आप मार्केट में काम कीजिए, आपका काम करने का तरीका और भी इजी हो जाएगा। आप पूरा रिपोर्ट कार्ड को देख लीजिए, हो सके तो मैच कर लीजिएगा। ये आज का सुबह का हम लोग का रिपोर्ट था। देखिए मैं एक दो चार्ट खोल के भी दिखा, तो सबसे पहले अशोक लेलैंड का, देखिए ये आज का मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है इसका रिजल्ट कितना मार्केट आज को गिरा था। इसका टोटल ट्रेंड जो था डाउन ट्रेंड था और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही गिरा, बाइंग ट्रेंड में नहीं गया। और अगर बाइंग ट्रेंड में जाएगा भी, जैसे यहाँ पर आप बोल सकते मार्केट तो उठा था, मतलब नॉट लाइक दैट जो आपको बाय करना है, आपको ये वैल्यू को भी देखना है, जो इस वैल्यू का ऊपर जाने का बाद या बाय करेंगे उसका पहले बाइंग ट्रेंड नहीं लागू होता। उसके बाद मैं और एक दो लगाता हूँ, जैसे बंधन बैंक, बाटा इंडिया, क्यूमिन सीड। बंधन बैंक में सोचिए
आपको बताया गया था सेलिंग प्रायोरिटी है इसका भी, तो मैं देखिए बंधन में आपका सामने लगाता हूँ और एक सेकेंड कौन सा स्क्रिप्ट था वो, तो ये देखिए बंधन बैंक का मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हुआ था आज को, तो आपको इसका देखिए ट्रेंड पैरिटी दिखाई दे रहा है जो इसका टोटल डायरेक्शन कितना डाउन में है, तो सारा दिन आपका ये डाउन में मूवमेंट करके गया है, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकल के दे सकता है। उसके बाद जो चीज़ जो स्क्रिप्ट है वो है आपका सपोज ब्रिटानिया में फ्यूचर में था बाइंग का बोला था, देखिए बाइंग दिया था, तो देखते हैं क्या हुआ है ब्रिटानिया ब्रिटानिया ये देखिए ब्रिटानिया का ये देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना ह्यूज प्रॉफिट देखे गया, दैट इज अ बिग प्रॉफिट जो आपको सुबह को बता दे रहा है और ये आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है अंत में 3 बजे तक ये उठा था, जो ह्यूज प्रॉफिट देखे गया। तो इस टाइप का जितना भी स्क्रिप्ट है आप वन बाई वन देख सकते हैं, सबको लगाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं नीचे से और एक दो दिखाता हूँ, टाइटन का या टाटा मोटर्स का, देखिए टाइटन में कॉल दिया था, टाइटन का फ्यूचर में कॉल था, तो टाइटन में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टाइटन में रिपोर्ट में बताया गया तो जो टाइटन का फर्स्ट प्रायोरिटी सेल, मैं इसीलिए आपको ये वाला दिखाया, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी सेल बोला गया, सेकंड प्रायोरिटी बाय, मगर सेल कब करना है 1164 का नीचे जाने का बाद ही आपको सेल करना है और बाय करना है 69.80 मतलब 70 पकड़ लेता हूँ। तो देखिए टाइटन में उस वैल्यू का नीचे मार्केट आया नहीं था, मतलब सेलिंग प्रायोरिटी लगा ही नहीं, तो उल्टा होगा बाइंग में, तो बाइंग का देखिए उसका 70 को ब्रेक किया और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई दिया। मतलब हम लोग उसी टाइप का स्क्रिप्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो चॉपी नहीं रहेगा, जनरली आपको कोई एक डायरेक्शन में लंबा प्रॉफिट देने वाला है। जैसा मैं और एक चार्ट खोल के दिखाता हूँ, सोचिए एस आर टी को इसको खोल के दिखाता हूँ, SRT तो इसमें कौन में बताया गया था, इसका फ्यूचर का था, तो इसमें भी देखिए क्या बताया था, ये हम लोग का बाइंग ट्रेंड था, फर्स्ट प्रायोरिटी बाय दिया गया था 42.85 के ऊपर बाय करना है, तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो दैट इज द रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मतलब स्क्रिप्ट सिलेक्शन, स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन सही होगा देन आप कहीं पर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का कोई बाय सेल सिग्नल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑनली द रिजल्ट, ये जस्ट मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। मेन आज का जो मेरा वीडियो है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बेस करके, जो कैसे हम लोग का सजेशन आता है। अब इसका साथ अगर आपका पास कोई भी स्ट्रेटेजी हो जो थोड़ा बहुत काम करता है, या फिर हम लोग बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं उसका साथ इसको टैली कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा। तो आज का जितना भी स्क्रिप्ट था आप वन बाय वन चेक कर लीजिए, रिजल्ट आपको पता चलेगा। जैसा आज का एक स्क्रिप्ट हम लोग का कुछ खास नहीं चला, दैट इज द निफ्टी, जो मोमेंटम नहीं दिया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में भी हम लोग का मूवमेंट बोला गया था जो कुछ होने वाला है, मगर निफ्टी अगर देखा जाएगा तो सारा दिन में इसका ओवरऑल प्रेडिक्शन दैट इज द चॉपी, मतलब ये अप डाउन करिएगा, तो निफ्टी वन डायरेक्शन में प्रॉफिट नहीं दिया। अदरवाइज जितना भी ये आज का हम लोग का सजेशन था, जैसा ल्यूपिन देख सकते हैं, स्क्वाड देख सकते हैं, क्यूमिन सीड देख सकते हैं, सोचिए मैं क्यूमिन सीड आपको लगा के दिखाता हूँ, क्यूमिन सीड में बताया था डाउन ट्रेंड है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में किया है। तो दैट इज द रिपोर्ट कार्ड, ये डेली मॉर्निंग को आपको मिलेगा, आप मार्केट का बाद में 3:30 बजे का साथ उसको टैली करके देख लीजिएगा। देखिए दैट इज आवर ए टेक्निक, कुछ टेक्निक के ऊपर बेस करके ऑब्वियसली हम लोग बना रहे हैं, मगर ऐसा भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप ऐसा मत सोचिए जो डेली इसका 100% मैच हो जाएगा, ऑब्वियसली ये आपको मिनिमम एक अच्छा रिटर्न देने वाला है। और देखिए प्रैक्टिकली अगर सोचा जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मैं सुबह को ही बता दूंगा 3:30 बजे तक वही मार्केट होने वाला है, तो लाइक दैट नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, आपको भी पता है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग का एक टेक्निक है जिसका द्वारा आपको ऐसा प्रेडिक्शन देना पॉसिबल होता है, जिसे इंट्राडे स्क्रिप्ट सिलेक्शन बोलता है। आपको पता है मार्केट में बहुत सारा कंपनी इंट्राडे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करता है अलग अलग टेक्निक के ऊपर बेस करके, तो हम लोग का जो टेक्निक है एक बार ट्राई करके देखिए आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मेरा इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको बहुत सारा वीडियोज दिखाई दे रहा है, देखिए मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मुझे यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में जस्ट सर्च कीजिए राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, हम लोग बाय सेल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, किस हिसाब से मार्केट में काम करना है, कैसा डायरेक्शन, कैसा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग का गाइडेंस रहेगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सके, इतना कॉन्फिडेंस है
जो अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप जो भी सॉफ्टवेयर या टेक्निक अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।